आजादी का अमृत महोत्सव इस साल हम मना रहे हैं। अमृत महोत्सव मनाते समय इतिहास में क्या हुआ इसका मैं ज्यादा उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन आज क्या हो रहा है इसके बारे में भारत के हर एक नागरिक को सोचना चाहिए। आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में कोरोना की महामारी 2 साल पहले फैली, और इस कोरोना की महामारी आने के बाद भारत देश का जो नेतृत्व है या जो सरकार है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रही। आज विश्व में सबसे ज़्यादा पीपीई किट का उत्पादन भारत में हो रहा है, आज देश में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन भारत में हो रहा है। यानी इस महामारी को एक तरीके से अपनी आरोग्य व्यवस्था को सुधारने के लिए आपदा में अवसर, इस प्रकार का एक परिणाम सामने आया है। सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब हमने एक नहीं तो 2 वैक्सीन का शोध लगाया, और इस विषय के कारण पूरे देश पूरे विश्व में आज अपने भारत देश का डंका बज रहा है। 60 देशों में प्रत्यक्ष वैक्सीन भारत देश से गई हुई इस्तेमाल हुई है। इसका दोहरा परिणाम है, एक परिणाम ये कि हम लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, और दूसरा परिणाम ये कि अगर ऐसे नहीं होता तो क्या होता, तो हमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया ऐसे सारे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता, जिसके कारण फिर से हमारे ऊपर उस पूरे विषय का एक तरीके से आर्थिक बोझ ये बढ़ जाता। हमने इस आपदा को अवसर में बदला, जिसके कारण आज हमने एक्सपोर्ट करके भारत की आय में वृद्धि की है। हमने खर्चे में वृद्धि नहीं की है, आय में वृद्धि की है। तो ठीक है, कोरोना की महामारी की वजह से बहुत सारे अपने नागरिक बंधु आहत हुए, बहुत सारे संसारों में परिवारों में आहत हुई, तो ये बात तो एक बाजू में है, उसको कोई सुधार नहीं सकता, सुधारने की कोशिश हालांकि सब देखी, लेकिन ऐसे बहुत सारे विषय आज विश्व में भारत का डंका बजाने वाले चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा दूसरा विषय यानी जो जिसको बोलते हैं सामरिक आयुध आर्मामेंट्स, इसमें भारत धीरे धीरे स्वयंपूर्ण होते जा रहा है, क्योंकि भारत का खर्चे का सबसे ज़्यादा विषय ये था और जिसके कारण हम दूसरे बलशाली देशों के ऊपर निर्भर थे वो था हमारा सामरिक आयुध। हमारे उसमें भी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हम अभी धीरे धीरे अपना खुद का DRDO, ISRO इनकी मदद से अपना खुद का आर्मामेंट फैक्ट्रीज और आर्मामेंट टेक्नोलॉजी ये हम डेवलप करते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे खर्चे कम हो रहे हैं और अब हम कई देशों को इसका निर्यात भी करना हमने शुरू कर दिया है। तो ये ही हमें विश्वगुरु बनाने की तरफ जो हम बोल रहे हैं वो लेके जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर भारत का किसान आज मोदी जी के नाम से जब अकाउंट में 2000 रुपया आता है तो एक तरीके से राहत महसूस होती है, क्योंकि आज भी हमारे देश का किसान ये गरीब है, पीड़ित है, अन्य अन्य विषयों के कारण वो पिछड़ा हुआ है, तो उसको भी उभरने का एक मौका हमारे नेतृत्व ने इस देश में किया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार इस विषय को हाथ डाल रही है, फिर वो कृषि का विषय हो या फिर स्वच्छता का विषय हो, ऐसे बहुत सारे विषयों में पिछले 7 साल में काम हुआ है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि 70 साल में काम नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रगति का जो आलेख है वो आलेख इस 7 साल में बहुत आगे निकल के गया है, और धीरे धीरे भारत को तकलीफ देने वाले बहुत सारे विषय ये हम सुलझाते जा रहे हैं, और इसका परिणाम जनमानस में दिख रहा है। इसके लिए पिछले बार 303, लेकिन 2024 में तो हम 400 के ऊपर जाएंगे, ऐसा एक ग्राफ भाजपा का निश्चित ही दिख रहा है। आज़ादी का यह अमृत महोत्सव मनाते समय हम सब भारतवासी इस सारे विषयों में कटिबद्ध है। भारत को ऊपर लेके जाना, भारत को विश्व के 7 में तो अभी पहुंच ही गया है। हमारे माननीय पंतप्रधान जिसका हम सपना देख रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद, यह हमारे मोदी जी को बहाल किया गया है, तो ये भारत के लिए निश्चित ही भूषणा हुआ है। और ये मुझे लगता है कि अमृत महोत्सव का एक प्रकार से विश्व ने दिया हुआ एक प्रकार से जिसको बोलते हैं पुरस्कार, ये हम इसको मानते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।